तो दोस्तों ये है Realme 7, जिसे Realme ब्रांड ने रिसेंटली मार्केट में लॉन्च किया है। और इस ब्रांड ने मार्केट में आते ही इस मोबाइल के साथ आग लगा दी है। वैसे तो Realme ब्रांड को मार्केट में आए हुए इतना अरसा नहीं हुआ, लेकिन वो जब से मार्केट में आई है उसने दूसरी ब्रांड के साथ कॉम्पीट करना स्टार्ट कर दिया है। और उसी कॉम्पिटिशन का एक कॉम्पिटिटर है Realme 7। दोस्तों आज हम Realme 7 के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी बैटरी लाइफ और उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स। तो वीडियो के एंड तक लगे रहिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे मोबाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कंसिडर करते हैं वो है उसका डिस्प्ले। मोबाइल का डिस्प्ले ही अच्छा नहीं होगा और बाकी हर चीज अच्छी दे दी बल्ले ही कंपनी ने, तो मोबाइल लेना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो Realme 7 के डिस्प्ले की जानिब बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन पे रन करती है। इसके अंदर आपको 1080x2400 के पिक्सल्स मिलते हैं। और इसकी ब्राइटनेस निट्स के बारे में बात की जाए, यानी ब्राइटनेस निट्स का मतलब ये होता है कि मोबाइल की ब्राइटनेस कितनी ज्यादा तेज और शार्प है, तो इसकी ब्राइटनेस निट्स आपको मिलती है 480 निट्स की। फर्दरमोर इसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन मिलती है, यानी आपका मोबाइल कहीं पे भी गिर गया, कुछ भी हो गया, तो आपकी स्क्रीन को इतना ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला। लेकिन कॉमन सेंस है दोस्तों कि अगर आपने पहले दूसरे मारे से मोबाइल गिरा दिया तो मोबाइल की तो धज्जियां उड़ जाएगी। फर्दरमोर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर। आपको याद होगा दोस्तों कि Realme 6i में आपको मिला था MediaTek Helio G90 का प्रोसेसर, इसमें मिलता है आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर, यानी इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं है प्रोसेसर में। लेकिन अगर हम इसकी बेंचमार्क टेस्टिंग के बारे में बात की जाए तो इसका बेंचमार्क स्कोर बनता है अराउंड 3 लाख, यानी इसकी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी अप टू द मार्क। फर्दरमोर इसके अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलता है माली G76MP4 की ग्राफिक्स का सपोर्ट, यानी ग्राफिक्स भी आपको तगड़ी मिल रही है। तो मुझे पता है कि आप रिफ्रेश रेट के बारे में ही सोच रहे होंगे, तो इसके अंदर आपको मिलता है 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट, जिसका मतलब यह है कि आप अगर गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं, आप अगर उसमें स्क्रॉल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर मोबाइल यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो। इसकी अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड 10 का सॉफ्टवेयर, जो कि बेस्ड होगा रियलमी के अपने यूआई में, यानी आपको रियलमी का पूरा इंटरफेस मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक होगा 6GB 64GB और दूसरा होगा 8GB 128GB। और अगर आपको इसका स्टोरेज एक्सपेंड करना है तो आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलता है, जो कि 256GB तक एक्सपेंडेबल है। दोस्तों आपको इस मोबाइल में हर चीज अच्छी मिलती है, लेकिन अगर कैमरा अच्छा ना मिला तो क्या फायदा, आपकी अच्छी शक्ल ही नहीं आएगी कैमरे में, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कैमरे के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, यानी इसका जो मेन सेंसर है वो आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि Realme 6 में आपको मिला था 64 मेगापिक्सल का कैमरा और इसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का ही मिलता है, लेकिन इसमें सेंसर का डिफरेंस है, यानी इस मोबाइल में आपको सोनी का सेंसर मिलता है, यानी आपको इमेज क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शार्प एंड क्रिस्प मिलने वाली है। सेकेंड कैमरा आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। नेक्स्ट आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। सब बात कर ली दोस्तों, अब बात आती है कि ये मोबाइल आपका साथ कितनी देर तक निभाएगा।
जी हाँ, इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी। और मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि इसको तो रात भर चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको मिलता है 30 watts का डार्ट चार्जर, जो कि रियलमी क्लेम करता है कि ये आपके मोबाइल को अप टू 50% सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट्स में चार्ज कर देगा। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि यह आपके मोबाइल को फुल चार्ज सिर्फ 1 घंटा 5 या फिर 1 घंटा 10 मिनट में आसानी से कर देगा, यानी ये आपका साथ बहुत देर तक निभाने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंसर्स। इसके अंदर आपको तमाम सेंसर्स मिलते हैं, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो, जायरो सेंसर हो, कोई भी सेंसर हो, चाहे आपको वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट चाहिए हो, सारे सेंसर्स आपको मिलते हैं, यानी हर चीज आप कर सकते हैं। और इसके अंदर मजे की बात यह है कि 3.5 mm जैक मिलता है दोस्तों। बहुत सारी कंपनीज इस चीज को कट कर रही है अपने मोबाइल से, लेकिन रियलमी ने इस बात का ध्यान लगा रखा है, तो यह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अगले पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, वो इसकी जनरल सेटिंग्स, यानी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको 2 colors मिलते हैं। एक होगा मिस्टिक मिस्ट व्हाइट और मिस्ट ब्लू। गलती हो जाती है यार, मिस्ट व्हाइट और मिस्ट ब्लू। और इसके वेट के बारे में बात की जाए तो इसका वेट है 197 grams। ये एक डिसेंट वेट है क्योंकि आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, तो ये उस हिसाब से एक डिसेंट वेट है। तो दोस्तों आज की मसालेदार वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर Realme ने इस मोबाइल को अराउंड 15,000 इंडिया में लॉन्च कर लिया तो ये बहुत ही ज्यादा किलर डिवाइस होने वाली है। और इसने अगर पाकिस्तान में इस मोबाइल को अराउंड 40,000 लॉन्च कर लिया तो भाई अलग ही बात है, ये बहुत ही ज्यादा क्लास की डिवाइस होने वाली है इस प्राइस रेंज में। सोचना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी डिवाइस है। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का चमकता हुआ बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे सफेद कर देना, बराबर में घंटी बनी होगी उसको दबा के ऑल का बटन बजा लेना। फर्दर मोर अगर आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो क्या कर रहे हो यार, लाइक करना। अगर आपको फ्यूचर में मोबाइल के रिलेटेड वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में मुझे सजेशंस दे देना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।